لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين الهداة المهديين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر حظي فيه من النوافل. حضرات اكرامي سامعين اكرام ناظرين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماه مبارك رمضان کی 28वीं तारीख की दुआ के साथ मासूम अलैहिस्सलाम के नूरानी कलमात के वसीले से आपकी खिदमत में हाजिर हैं इंशाअल्लाह। आज भी चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की जाएंगी। आज की दुआ का पहला फकरा है, परवरदिगारा हमें इस रोज में जो नवाफिल और मुस्तहबात हैं इनमें हमारे हिस्से को ज्यादा करार दे दें। हिस्से की बात जहां आ रही है, इससे पहले भी हिस्से के सिलसिले में गुफ्तगू हम कर चुके हैं कि अल्लाह से जो है वो क्या है, बंदा ज़्यादा हिस्से के बारे में सवाल करता है। इससे पहले भी एक दुआ में ये बात हो चुकी है कि जब दुनियावी उमूर में हम ये चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा हो, हमारा हिस्सा ज़्यादा लगे, हमारे जो है वो क्या है नसीब में ज़्यादा आए, तो दीन के मसाइल में क्यों नहीं। लिहाजा यहाँ पर भी मासूम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पहला ही फ़िक्रा है दुआ का कि महबूद मुस्तहबात और नवाफिल में हमारा हिस्सा ज़्यादा कर दे। अब जिस हद तक भी ये बहुत बड़ा मौजू है, बहुत वसी मौजू, जिस हद तक मुमकिन होगा बहुत जो है वो आपकी खिदमत में इख्तसार और मुफीद गुफ्तगू इंशाल्लाह की जाएगी। जाहिर सी बात है कि तूलानी गुफ्तगू नहीं हो सकती यहाँ पर। दीन इस्लाम ने सही मानों में जो बुनियादी अहकाम, बल्कि वो चीज़ें कि जिनका हुक्म दिया है इस्लाम ने करने के लिए, जो बेसिक अहकाम है, जो बेसिक कवानीन है और जो बेसिक लॉज कहे जा सकते हैं, वो दीन मुकद्दस इस्लाम के वो पांच हैं। पहला हुक्म है वाजिब, ठीक है। दूसरा हुक्म है हराम। तीसरा हुक्म है मुस्तहब और नवाफिल, जिसके बारे में आज गुफ्तगू हो रही है। और चौथा हुक्म है मकरूह, कराहियत वाले अमाल। और पांचवा हुक्म है मुबाह का। ये पांच आमाल और पांच अहकाम वो हैं कि जिनसे जो है वो इस्लाम ने जिनके बारे में हमसे अपने तकाजे किए, हमें अहकाम जो है वो इन्हीं के जरिए से नाफिज किए और इन्हीं अहकाम के लिए क्या है पाबंद रहने को कहा है। वाजिब क्या है? वाजिब कहते हैं कि वो आमाल के जिनका बजा लाना बाई से अजर व सवाब होता है। बंदा अगर वाजिब अमल को अंजाम देता है तो उसकी किस्मत में, उसके नाम या अमाल में अजर और सवाब लिखा जाता है, और अगर वाजिब को तर्क कर दे तो उसके नाम या अमाल में क्या है अजाब और इकाब और अताब अल्लाह की तरफ से। खुलासा यानी वाजिब वो अमाल के जिनका अंजाम लाना, जिनका बजा लाना बाईस अजर व सवाब हो, और जिनका तर्क करना बाईस अताब व अजाब हो। बंदा करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो क्या है पनिश की जाएगी अल्लाह की तरफ से, उसे अजाब दिया जाएगा, उसे मुसीबतों में गिरफ्तार और बलाओं में मुबतला किया जाएगा, ठीक है। दूसरा अमल क्या है? दूसरा हुक्म है हराम का। वाजिब के बिल्कुल बरअक्स जो अमल है वो हराम है। पूरी तरीके से वाजिब के जो अपोजिट है वो हराम है। यानी वाजिब वो अमाल की जिनका अंजाम देना बाईस अताब व अजाब हो, क्या है नाराहती हो, गजब परवरदिगार होता है, गुनाह है, और जिनका अंजाम न देना क्या है बाईस अजर व सवाब है। सादा अल्फाज में मुस्तहब वो अमाल है कि जिनके हराम वो अमाल है कि जिनका अंजाम देना क्या है, जिनका इर्तकाब करना गुनाह का सबब बनता है, बंदे के ऊपर अजाब आता है अल्लाह की तरफ से और क्यामत में भी अजाब मिलेगा, और तर्क कर देना ना अंजाम देना क्या है बाईस अजर व सवाब, इस पर सवाब मिलने वाला है। अब तीसरा मरहला
जो आज हमारी गुफ्तगू का महवर और मरकज है। मुस्तहबात वो आमाल हैं कि जिनका अंजाम देना बाइस अजर व सवाब है, और अगर कोई इंसान अंजाम न दे तो उस पर कोई अजाब भी ना हो। चौथे, अब इस पर फिर वापस आएंगे, चौथे अहकाम में से क्या है? मकरूह वो अमाल की जिनका अंजाम देना और ना देना दोनों क्या है, अजर व सवाब क्या है इस पर ना होता हो। अंजाम न देना बाइस अजर व सवाब है, और अंजाम देने पर क्या है, अजाब भी ना होता हो। मकरूह वो अमाल कि जिनके अंजाम देने पर अजाब हो, मकरूह वो अमल के जिनके अंजाम देने पर जो है वो गुनाह ना मिलता हो, अजाब ना होता हो, लेकिन अंजाम न देने पर क्या है, आदमी को अजर व सवाब मिलता हो। मकरूह है एक अमल मसलन जो है वो अल्लाह की निगाह में वो मुस्तहसन नहीं है, दीन और शरीयत की निगाह में मुस्तहसन नहीं है, लिहाजा वो अमल के जो है वो जिनका अंजाम ना देना बाइस अजर व सवाब है, और अंजाम देने में क्या है, अजाब भी ना हो। मतलब एक आदमी ने जो है वो अमल अंजाम दे दिया, कोई मकरूह अमल है तो इस पर अजाब भी नहीं होगा, और अगर अंजाम ना दे तो बाइस अजर व सवाब है। यानी बेहतर क्या है कि अंजाम ना दे मकरूहात को, वो आमाल के जो कराहियत वाले उन्हें अंजाम ना दे, ये बेहतर है। अगर अंजाम देता है तो इस पर अजाब भी नहीं है, अलबत्ता सवाब में कमी ज़रूर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जो है मकरूह अमल हैं कि जिनके अंजाम देने से क्या है, सवाब में किल्लत हो जाती है, सवाब में कमी हो जाती है। पांचवें मुबाह, यानी अंजाम देना और अंजाम ना देना दोनों मसावी है, दोनों बराबर है। अंजाम दे तब भी कुछ नहीं, अंजाम ना दे तब भी कुछ नहीं है। मुबाह अमाल का अंजाम देना और ना अंजाम देना दोनों में कोई फर्क नहीं, अंजाम देता तब भी कोई फायदा नहीं, अंजाम नहीं देता तब भी कोई नुकसान नहीं है। अब आइए मुस्तहबात के ऊपर जो आज हमारी गुफ्तगू का महवर और मरकज है। फरमाया इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा वफ़िर हज़्ज़ी है मिन नवाफिल, मेरे माबूद नवाफिल मुस्तहबात में हमारे हिस्से को ज्यादा करार दे। ये जितने भी अहकाम हैं, वाजिब हों के मकरूह हों के मुस्तहब हों के जो है वो हराम हों के मुबाह हों, इन सारे अहकाम में वाजिब तो बहरहाल वाजिब उसे अंजाम देना ही है, नहीं अंजाम देगा तो आदमी डंडे खाएगा। हराम वो है कि जिस पे जो है वो क्या है, जिसका तर्क करना वाजिब है, जिसको जो है छोड़ देना वाजिब है, अगर आदमी जो है उसे अंजाम देगा तो डंडे खाना वाजिब है। तो ये दो अलग कैटेगरी हो गई दोनों की, वाजिब और हराम आमाल की। अब जो मसला मुस्तहबात का है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुस्तहब वो अमल है कि जिसके जो क्या है अंजाम देने पर अजर व सवाब है, लेकिन जो वो तर्क कर देने पर कोई अजाब ना हो। याद रखें वाजिब का मरतबा बिल्कुल बेशक अपनी जगह पर जो है वो क्या है बहुत ज्यादा है, हराम का जो है वो क्या है तर्क कर देने में इंसान के मरतबे को बढ़ा देता है, हराम को तर्क कर देना, लेकिन सही मानों में बशरियत के कमाल के लिए, इंसान की जो है क्या है इर्तका के लिए, इंसान के मर्तबे को बुलंदी पाने के लिए और देने के लिए अगर कोई अमल वाकई साजगार और मुअस्सर और मुफीद है तो वो मुस्तहब अमल है। किसी की जिंदगी में भी अगर जो है वो बुलंदी और इर्तका और उसे शराफत और वक़ार चाहिए तो वह मुस्तहबात पर अमल करे, इसलिए कि जो है वो मुस्तहबात पर अमल करना ही क्या है, ये इंसान की मंजिलत को बढ़ाता है, उसके शरफ को बढ़ाता है, उसकी जो है वो बंदगी में और चार चांद लगाता है, मुस्तहबात ही है। लेकिन ये बात तय है कि इंसान के कमाल को बढ़ाने के लिए, इंसान के जो है वो वक़ार को बढ़ाने के लिए, उसकी आबरू को बढ़ाने के लिए, अल्लाह की नज़र में उसका एहतराम बढ़ाने के लिए, उसको जो है अल्लाह की नज़र में जो है वो बेहतरीन करार देने के लिए, दीन की नज़र में उसे बामर्तबा बनाने के लिए, उसे फायज करने के लिए, उसे कामयाब तसव्वुर कराने के लिए सबसे ज्यादा जो मुअस्सर वो मुस्तहबात है। इसलिए मुस्तहबात में क्या है कि जिसमें चांस ही चांस है तरक्की के, प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है। जितना इंसान जो मुस्तहबात आमाल को अंजाम देगा, मुस्तहब आमाल को अंजाम देगा, उतना ही उसका मर्तबा बढ़ेगा, उतनी ही उसकी मंजिल बढ़ेगी, उतना ही उसका वक़ार बढ़ेगा, उतना ही उसका जो है क्या है ईमान बढ़ता जाता है। लेकिन अगर किसी को जो है वो पेशे परवरदिगार, पेशे अहले बैत, पेशे रसूल, पेशे आइमे अतहार अपनी मंजिलत को बढ़ाना है, अपने जो है वक़ार को बढ़ाना है, अपने मर्तबे को बढ़ाना है, तो उसे मुस्तहबात पर क्या है अमल करना ही करना है।
नवाफिल को क्या है, ज्यादा से ज्यादा अंजाम देना है। नवाफिल मुस्तहबात की तफसीलात बहुत सारी किताबों में मौजूद है, और वह आमाल के जो मुस्तहबात है बनवान मिसाल बहुत सारे आमाल जो है वो मजकूर हैं कि जो मुस्तहब अमल के तौर पर अंजाम दिया जाए, तो सब मुतअद्दिद किताबों में मौजूद हैं। और मराजे कराम के तौज़ीहुल मसाइल में भी मुस्तहब आमात और आमाल और नवाफिल की बातें मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि जिनका तذکرہ यहाँ पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। कुरान करीम में एक आयत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम दाइमून, ठीक है, वो लोग जो अपनी नमाज में क्या है मुदावमत करते हैं, वो लोग जो हमेशा कंटिन्यूस जो है वो अपनी नमाज को जारी रखते हैं। इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कौन लोग हैं कि जिनके बारे में कहा गया कि वो लोग के जो हमेशा अपनी नमाज में मशगूल रहते हैं, दाइम रहते हैं, नमाज की हालत में रहते हैं। फरमाया कि वो लोग हैं कि जो नवाफिल और मुस्तहबात को अदा करते हैं, दाइमन मुस्तकिलन हमेशा हमेशा नमाज पढ़ते हैं, ज़्यादातर नमाज पढ़ते हैं, मुदाविम है नमाज के ऊपर। वो कौन लोग हैं, वो कि जो मुस्तहबात को अदा करते हैं, नवाफिल को अदा करते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं कि जो नवाफिल को अदा करने वाले लोग, वो लोग हैं कि जो मुस्तहबात को बजा लाने वाले लोग। कहते पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक शब में रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, तो अल्लाह की बारगाह में आसमान की जानिब निगाह उठा के कहा, अल्लाह से पूछते हैं कि महबूद जो है वो कौन बंदा है जो तेरी निगाह में महबूब है, तेरी निगाह में क्या है मोहतरम है, तेरा पसंदीदा बंदा कौन है। आवाज़ आई कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग के जो क्या है मुस्तहबात को अदा करते हैं। वो लोग क्या हैं, हमारी निगाह में वाजिबात के साथ साथ मुस्तहबात का अदा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारी निगाह में क्या महबूब और पसंदीदा हैं। आप समझ गए वो जो बात हमने कही थी अभी कुछ देर पहले कि किसी का मर्तबा अल्लाह की नज़र में इसी वजह से बढ़ता है कि वो मुस्तहबात कितने अंजाम देता है। वाजिबात उसे करना ही करना, हराम से तो उसे बचना ही बचना है, मुस्तहबात कितने अंजाम देता है। और अगर वाकई मकरूहात से भी इज्तनाब करे तो क्या कहना है। उलमा और सलहा और जो है वो अराफा ये जितने लोग हैं ये सब के सब जो है वो यानी मुस्तहबात पर अमल करके जो है इस मंजिल पर पहुंचे हैं, इन्होंने मुस्तहबात पर अमल करके जो है वो क्या है ये मकाम और मर्तबा हासिल किया है। अगर ये मुस्तहबात पर अमल ना करते तो इस मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है, तो अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका मर्तबा बढ़े, उसका जो है वो मियार और उसका वक़ार अल्लाह की नज़र में, रसूलुल्लाह की नज़र में, आले रसूलुल्लाह की नज़र बढ़े, तो मुस्तहबात पर क्या है ज़्यादा अमल करें। जितना मुस्तहबात पर अमल करेगा उसके मर्तबे उतने बढ़ेंगे। तो फरमाया खुदा ने कि जो वो कि जो वाजिबात के साथ साथ मुस्तहबात पर भी अमल करते हैं, मुदावे में मुस्तहबात के अमल पर नाफिल को अदा करते हैं ना, नाफिलों को अदा करते हैं, वो हमारा महबूब है खुदा ने कहा और हम उसके महबूब है। जाहिर सी बात है बंदा जब अपने खुदा का महबूब समझेगा। बहुत सारी बातें जो है वो मुस्तहबात के सिलसिले में थी जो ज़ाहरन यहाँ नहीं बयान की जा सकती हैं, क्योंकि जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देर तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर भी हम शुक्रगुजार उन लोगों के जो तकरीबन हमको एक महीने से मुसलसल सुन रहे हैं और मुसलसल सराह रहे हैं। अल्लाह आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अगला फिक्रा, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी बातें छोड़ दी जा रही हैं जो यहाँ नहीं बयान की जा सकती। अगला फिक्रा, व अकरमनी फीह बिअज़ार अलमसाइल, परवरदिगारा हमारे हक में मसाइल को आमादा और हाजिर करने में हमारी जो है वो क्या है हमारे ऊपर करम फरमा। ये एक ख़ास मौजू है और बड़ा तशरीह तलब यह मसला है। फरमाया कि जो है वो खुदा हमारे हक में जो है क्या है जो मसाइल हैं उन्हें आमादा करने के लिए, उन्हें हमारे सामने जाहिर करने के लिए हमारी मदद फरमा। ठीक है, यानी जो जो है वो हमारे मसाइल हैं वो क्या हमारे सामने बिल्कुल हाजिर हो जाए, इसमें क्या है तेरी मदद चाहिए। बहुत सारी बातें हैं कि जो हमारे सामने जाहिर नहीं होती, बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे सामने जाहिर नहीं होते हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जो हमारे पास होती हैं मगर जो है वो हम उससे गाफिल होते हैं। इस सिलसिले में दुआ के महबूद जो है वो हमारे इन मसाइल को हाजिर करने में, इन मसाइल को क्या है वाजह करने में हमारे ऊपर करम फरमा, हमारी मदद फरमा। बगैर तेरी मदद के, बगैर तेरे करम के जो है वो क्या है
ये मसाइल हाजिर नहीं हो सकते हैं, ये मसाइल आमादा नहीं हो सकते हैं जिनके जरिए हम तेरे पास पहुंचना चाहते हैं। अगला फकरा सुनिए, इंशाल्लाह बात वाजह हो जाएगी, इस पर ज़्यादा तशरीह नहीं अर्ज करेंगे। अगला फकरा खुद जो है वो क्या है, इसको वाजह करता है। वकर्रिफी है वसीलती इलैका मिन बैन अलवसाइल, और ए माबूद अपने हुजूर हमारे वसाइल को क्या करें, नज़दीक कर दे। जो हमारे पास वसाइल हैं, जो हमारे पास ज़राया हैं, उसको अपने से नज़दीक करने के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, उन वसाइल को वसीला बना दे, वो जो है वो अपने से करीब होने के लिए, अपने हुजूर हमारे वसाइल को नज़दीक कर दे। ये जो हमारे वसाइल हैं ये क्या हैं, ये तुझसे नज़दीक कर दें, या तू इन वसाइल के ज़रिए से क्या है, नज़दीक कर दें। ये जो वसाइल हमारे पास है माबूद, तुझे क्या है, नज़दीक कर दें। बेशक हमारे अतराफ में बेशुमार वसाइल हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वसाइल होते हैं, बहुत सारे जो है वो क्या है, ज़राए होते हैं जिनके ज़रिए से हम जो है वो अल्लाह के करीब जा सकते हैं, लेकिन क्या है, हम चूंकि मुतवज्जह नहीं होते हैं वो मसाइल हमारे सामने, और वो वसाइल हमारे सामने क्या है, आमादा और ज़ाहिर नहीं होते हैं, तो हम अपने खुदा से नज़दीक नहीं हो सकते हैं। तो ये दुआ है कि वक़र रिफ़ी है वसीलती इलैके मिन बैन अलवसाइल, जो वसाइल हैं इनके ज़रिए से जो है क्या है, इन्हीं वसाइल से क्या है, अपने से नज़दीक कर दे। ये वसाइल जो है वो क्या है, हमारे लिए नज़दीक कर दे, ताकि हम तुझ तक पहुंच सकें। ये जो वसाइल है इन्हीं के जरिए से अल्लाह की क़ुर्बत हासिल की जाए। इसको इस तरह से समझे कि ये जो वसाइल है इनके जरिए से जो क्या है, अल्लाह वो अल्लाह से नज़दीक हो जाए, या अल्लाह जो इन वसाइल को नज़दीक कर दे बंदे को वहां तक पहुंचने के लिए। मसलन अल्लाह ने जो है वो सेहत दी है, अल्लाह ने आफियत दी है, बीमारी नहीं दी है, ये वसीला है कि अल्लाह से क्या नज़दीक हुआ जाए और अल्लाह अपने आप से जो है वो बंदे को नज़दीक कर ले। या मसलन जो है वो हालात ऐसे बन जाए कि जिनसे बंदा जो है बंदगी की तरफ और रागिब हो जाए। मसलन वो सारे वसाइल के जो अल्लाह से नज़दीक कर सकते हो उनका इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर हमारे घर में मसलन एक हसीर, एक मैट, एक चटाई है, उस चटाई का दूसरा इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन उस चटाई का, उस जो है वो हसीर का, उस मैट का जो है वो इस्तेमाल किया जाए मसलन नमाज के लिए, ठीक है, वसीला है, तो क्या है ये करीब हो गया है अल्लाह से क्या है, नज़दीक होने के लिए। ये वसाइल जो है जाहिर है, अल्लाह ने मसलन एक छोटा सा घर दिया है, एक झोपड़ी दी है, कुटिया दी है, वहाँ बैठ कर क्या है, इस वसीले से अल्लाह की इताअत और इबादत की जाए। जो भी वसाइल हमारे पास हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, इनके ज़रिए से क्या है, अल्लाह से नज़दीक हुआ जाए, अल्लाह के करीब हुआ जाए। जो भी वसाइल हमारे आस पास हैं, हमारे अतराफ में हैं, दुआ ये कीजिए कि इन वसाइल से अल्लाह क्या है, हमसे नज़दीक हो जाए, हम इन वसाइल का ऐसा इस्तेमाल करें कि हम अल्लाह तक पहुंच सकें, क़ुर्बत खुदा, क़ुर्ब खुदा जो है वो क्या हासिल कर सकें। ये आफियत, ये औलाद, ये जो है वो मसलन बीवी, ये जो है वो समाज, ये माशरा, ये घर, ये मसलन घर के वसाइल, ये घर के साज और सामान, ये सब जो है क्या है, वसाइल हैं, इन वसाइल के ज़रिए से खुदा तक पहुँचें। ये वसाइल जो क्या है, खुदा से नज़दीक करें। या मन ला यशगुलहु इल्हालुल मुल्हीन, ऐ वो खुदा के जिसको बंदे की जो है समाजत और इल्हा जो है वो क्या है, बख्शिश से दूर नहीं करती है। शक बंदा कोताही करता है, और बाज बंदे के सिर्फ कोताही करते हैं, बाज बंदे के सिर्फ कोताही करते हैं, लेकिन अल्लाह क्या है, बंदों की कोताही पर उसे फरामोश नहीं करता है, उसे गाफिल नहीं होता है। बंदे बहुत सारी कोताहियां करते हैं, बाज़े अफराद जो है वो क्या है, मुस्तहबात में कोताहियां करते हैं, मकरूहात में, बाज़े जो है वो क्या हराम में कोताहियां करते हैं, बाज़े अलैहिद्दु बिल्लाह वाजिबात में भी क्या है कोताहियां करते हैं, उसे फरामोश कर देते हैं, लेकिन वो क्या है, इन कोताहियों के नतीजे में उनसे गाफिल नहीं होता है,
उन पर जूद व सखा जो है वो क्या बंद नहीं करता है, उन पर जो है वो अपने एहसानात को बंद नहीं करता है। बंदा कोताही करता है मगर खुदा कोताही नहीं करता है, और खुदा किसी बंदे पर कोताही नहीं करता है। अगर ना अगर खुदा जो है वो कोताह हो जाए बंदों के सिलसिले में, तो बंदे के पास बचेगा ही क्या, बंदे के पास होगा क्या जिंदा रहने के लिए और अल्लाह के बारगाह में जाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए। अल्लाह जो क्या बंदों के सिलसिले में कभी कोताह नहीं होता है, कभी गाफिल नहीं होता है। इस सिलसिले में पहले भी बातें अर्ज की जा चुकी हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। किसी दिन इस बात को भी किसी दुआ के ज़ैल में अर्ज किया था कि अल्लाह जो है वो क्या अपने बंदों को बेइंतहा चाहता है। अल्लाह बंदों के तई कोताह नहीं है, किसी भी मरहले में किसी भी हाल में अल्लाह जो है वो क्या है हमें फरामोश नहीं करता। हम हैं जो अल्लाह को फरामोश कर देते हैं, बंदे हैं जो अल्लाह को बुला देते हैं। माह मुबारक है रमज़ान में बेशक सबने जो है वो हम सब ने दीगर महीनों के बनिस्बत ज़्यादा अपने खुदा को याद किया है, और ये बेहतरीन मौका भी था। ये खाना नशीनी, ये लॉकडाउन जो था, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ये जो पब्लिकली होम स्टे था, ये बहुत ही जो है वो क्या है मुसर मुफीद था कि जब बंदों को ये मौका दिया था अल्लाह ने के उसकी इताअत और इबादत और तिलावत में इजाफा हो, आसानी के साथ इत्मीनान के साथ बंदा अल्लाह की इताअत और इबादत में मशगूल रहे। खुश नसीब है वो लोग कि जिन्होंने इस लॉकडाउन में और इस माह मुबारक रमज़ान की अजमत व जलालत और बरकत से बाकायदा इस्तेफादा किया है। लायक तहसीन है वो लोग कि उन्होंने मौके का सही इस्तेफादा किया है, सही इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात 2-3 दिन और रह गए हैं, क्योंकि दुआ जो है वो क्या है एक दिन पहले रिकॉर्ड हो जाती है, शाम को ही रिकॉर्ड हो जाती है, रात को 28वें दिन की दुआ जो है आज 27 को ही रिकॉर्ड है, ताकि आप सुनने वालों का नुकसान ना हो। तो अब ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन, खुश नसीब वो लोग के जो इन 2-3 दिनों में भी अपने माबूद की बारगाह में पूरी तरीके से मुतवज्जो हो जाए और वैसे इस्तेफादा करें जैसे इस्तेफादा करने का हक है। उसकी रहमतें बेपनाह हैं, उसका करम बेइंतहा है, उसका फजल बेशुमार है, उसकी इनायतें ला तादाद है बंदों के ऊपर। बस बंदों को मुतवज्जे रहना चाहिए उस तरफ। अल्लाह हम सबको तौफीक दे के नवाफिल में हमारा हिस्सा ज्यादा हो सके, हमारे पास जो भी वसाइल इन वसाइल के जरिए से हम अपने महबूब की बारगाह में और नजदीक हो सके, उसकी ज़ात से और करीब हो सके। जिन मसाइल की तरफ मुतवज्जे नहीं, अल्लाह उन मसाइल की तरफ हमको मुतवज्जे करे ताकि क़ुर्ब खुदा हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। अगर हम कोताह हों, अल्लाह जो है वो क्या है अपने जूद व बख्शिश में हम पर कोताही ना करे। आइए इन्हीं कलमात नूरानिया के साथ आज रुख्सत लेते हैं, इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ अपनी दुआओं के साथ। माबूद हमारे इन आमाल को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। जो लोग इस कार खैर में किसी तरीके से शरीक हैं उनके तौफीकात में इजाफा फरमा, उनके इन आमाल को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का तबात आलियात रोज़ात मुक़द्दसात महफूज फरमा, उलमा आलाम और आदे कराम की मुहाफ़ज़त फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमाल सालहा की तौफीक करामत फरमा, नवाफिल और मुस्तहबात के आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देने की तौफीक करामत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे मरीजों को शफायाब फरमा, हमारे मरहूमिन के ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उन्हें गरीक रहमत फरमा, उनके दराजात को मुतआली फरमा। माबूद
जो लोग भी परेशान हैं उनको परेशानी से दूर फरमा, जो लोग हज व ज़ियारात के मुश्ताक हैं उनको हज व ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा, जहाँ जहाँ शान हैदर कर्रार उनके जान व माल व ईमान व आबरू की मुहाफ़ज़त फरमा, बिलखुसूस मवालियान हैदर कर्रार की मुहाफ़ज़त फरमा। मेरे महबूद, जो लोग भी किसी तरीके की मुश्किल में गिरफ्तार उनकी मुश्किल को दूर फरमा। माह मुबारक रमज़ान है, हमारी इताअतों को, इबादतों को, तलावतों को, नमाज़ों को, तस्बीहात को, अज़कार को शर्फ़ कबूलियत इनायत फरमा। महबूद, हमारी अहम तरीन दुआ यह है हमारे ज़माने के इमाम, हमारे साहब वली नेमत, हमारे मौला और आका, हमारे निगहबान निगहदार, हमारे सैयद व सरदार यूसुफ़ ज़हरा मुंतकिम खून हुसैनी के दौर में ताजिल फरमा, हम सबको उनके मुखलिस आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंता तव्वाबुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम लबैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।